गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्योग के बारे में पढ़ा, कौन कौन से उद्योग है, उसका स्थापना, उसके स्थानीय कारकों के बारे में हम लोग जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण वो आप लोगों का इकाई 3 था, उसका प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने किया। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग अपने नोट्स बुक में लिखे होंगे। अब अगला चैप्टर आप लोगों का इकाई 4, परिवहन संचार एवं व्यापार। क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों का थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम इकाई 4 तक पढ़ा के उसके बाद हम हिस्ट्री और सिविक्स को पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर के बाद। तो इसमें आप लोगों को है परिवहन संचार एवं व्यापार। बच्चों, परिवहन आप जानते हैं, आप लोग कभी ये सोचे हैं या देखे भी हैं कि विदेश में बैठा व्यक्ति कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वो तुरंत भारत चला आता है, या एक देश से दूसरे देश में चला आता है। उसके बावजूद भी मान लीजिए कि पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन हो रहा है और अगले दिन वो गेहूं हमारे गांव, हमारे शहरों में चला रहा है, और भी कहीं हो रहा है कि हमको कहीं जाना है तो हम तुरंत कुछ ही देर में, कुछ घंटों में हम यहां से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यहां तक कि विदेशों की सेवा कर लेते हैं। विदेश में बने सामान आपको आसानी से इस देश में आ रहे हैं, इस देश से बना सामान आपको विदेशों में जा रहा है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब परिवहन के द्वारा होता है, ये सब परिवहन के द्वारा होता है। परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जानते हैं हमारे यहाँ जो ग्रेट एंड ट्रंक रोड है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो NH1 कहलाता है, नेशनल हाईवे 1 कहलाता है पहला। वो आपको दिल्ली से, कोलकाता से अमृतसर तक वो जाता है, NH1 उसके नाम से जानते हैं। वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आप समझ रहे हैं कि उस समय भी सड़कों का कितना महत्व था, या इससे पहले परिवहन की अगर भारत की खोज हुई, वास्को डी गामा ने खोज किया, तो आखिर किसी रास्ते से किसी परिवहन के द्वारा आया होगा, तो जलमार्ग के द्वारा आया, नाव, बड़ी नाव से जलमार्ग के द्वारा आया। यानी परिवहन कितना महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोगों को जाना, या किसी भी वस्तु सामान को ले जाना, ले जाने के लिए परिवहन बहुत ही आवश्यक है। अब उस वस्तु की मात्रा, उस वस्तु की भार के आधार पर वैसा वैसा परिवहन बनाया गया है, हर चीज को हम लोगों को जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए प्लेन वायुमार्ग बनाया गया है, वायुमार्ग से जाने के लिए, विदेशों से जल मार्ग द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है। उसी तरह हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं। इसमें अब परिवहन का प्रकार क्या है? परिवहन का प्रकार तो पहला है परिवहन का प्रकार सड़क मार्ग। आप लोग सड़क मार्ग जानते होंगे, इसलिए कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आप लोगों को अपने घर से स्कूल आना है, तो स्कूल आना है तो बिना सड़क मार्ग के आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपने पूरे जीवन में कभी सड़क पर, कभी रोड पर नहीं गया होगा। जाना ही है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे हम अपने घर से जाएंगे तो हमको सड़क मार्ग का उपयोग करना ही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार देश के अंदर, व्यापार और बिजनेस होता है, या हम लोगों को आने जाने के लिए इस मार्ग का सबसे अधिक उपयोग होता है। उसके बाद है रेल मार्ग। आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक यात्राएं रेल द्वारा की जाती है, भारत में सबसे अधिक यात्राएं रेल द्वारा की जाती है। उसके बावजूद भी भारत में सबसे अधिक सामानों का वितरण रेल के द्वारा की जाती है। जो आप देखते हैं बड़े बड़े डिब्बों में
रेल आपको मालगाड़ी में सामान भरकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। भारत के पूरे क्षेत्र में रेल मार्ग द्वारा हर चीज हो, पेट्रोलियम हो, खनिज हो या आपको खाद्य पदार्थ हो, ये सब आपको वहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो ये आपको रेल मार्ग की आपको रेल पर चढ़े हो जानते हैं रेल मार्ग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जलमार्ग के नियम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। वास्को डी गामा आया भारत में 1498 ईस्वी में, भारत की खोज की उसने, तो वो किस मार्ग से आया था? जल मार्ग से। और आज भी हमारे यहाँ कई पोत निर्माण कंपनियां हैं जहाँ बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होता है और उस जहाज में यहाँ से माल भरकर विदेशों में जाता है और विदेशों से माल भरकर यहाँ आता है। यानी जल मार्ग द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता है। यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी क्षेत्रों में यहाँ से व्यापार होता है जल मार्ग के द्वारा। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जल मार्ग के द्वारा ही हम एक देश से दूसरे देश में जुड़ते हैं या एक देश से दूसरे देश में सामान का आना जाना होता है। उसके बाद है वायु मार्ग। वायुमार्ग में आप लोगों को, आप जानते हैं वायुमार्ग द्वारा आजकल सबसे अधिक लोग विदेशों में रहने के लिए, विदेशों में नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, या और भी बहुत तरह के सामान वायुमार्ग द्वारा आपको अन्य देशों में जाया जाता है। यानी आजकल वायुमार्ग के द्वारा किसी भी देश की दूरी बहुत ही कम रह गई है। तो ये वायुमार्ग आपसे मान चलता है कि किसी देश की दूरी, यहाँ अमेरिका है, आपको लगता है कि अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन इसके द्वारा, इस मार्ग के द्वारा वो 12 घंटे का दूरी है। यानी हम 12 घंटे एक दिन में हम अमेरिका पहुंच जाएंगे, जहां अगर जल मार्ग द्वारा जाएं तो 6 महीना लगेगा। तो ये समझ में आता है कि ये मार्ग से कितना महत्वपूर्ण है कि आज का सामान वहाँ आज हम चलेंगे तो आज शाम को कल अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आने जाने के लिए समझ सकते हैं। उसके बाद है पाइपलाइन मार्ग। पाइपलाइन ये मार्ग आपको सिर्फ पदार्थों को, यानी लिक्विड जो होता है उस पदार्थों के लिए ले आने के लिए ये मार्ग होता है। ऐसे पेट्रोलियम बॉम्बे हाईवे समुद्र में अंदर निकलता है और वो पाइप द्वारा पेट्रोलियम किनारे पर आता है, तब उसको रिफाइन करके उसका यूज किया जाता है। या और भी आप देख रहे हैं, और भारत के कई ऐसे राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे अब सिलेंडर लोगों के घर में नहीं आ रहा है, तो गैस पाइपलाइन आ रहा है और वो आपको खोलिए और वहाँ गैस लीजिए और गैस चलाइए, आपको सिलेंडर की आवश्यकता खत्म हो गया। आपको देख रहे हैं नल जल पर चला है नल जल योजना बिहार में, तो पाइपलाइन के द्वारा ही सब घरों में सब जगह पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये मार्ग आज हमको बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े टावरों के जो होते हैं तार वायर, वो आप लोगों को पाइपलाइन मार्ग द्वारा जब गड्ढा खोद के बिछाया जाता है और आज इतने टावर काम कर रहे हैं, तो ये पाइपलाइन मार्ग भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इन मार्गों द्वारा हम अपना काम करते हैं। अब हम बारी बारी से करेंगे। तो पहला है आपको सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग के बारे में मैंने बताया, सड़क मार्ग सबसे आसान, सबसे सुलभ आपको मार्ग माना जाता है। भारत में बहुत पहले सड़क का आपको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी सड़क मार्ग का उल्लेख मिलता है, सड़कों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसके बावजूद आपको 1857 की क्रांति में भी सड़क मार्गों का उपयोग किया गया था। उसके बाद सड़कों का विकास आपको अंग्रेजों के द्वारा रेल मार्ग के पूरक मार्ग के रूप में आपको सड़कों का विकास किया गया। यानी जहां जहां रेलवे लाइन का उसके बगल बगल में अंग्रेजों ने सड़क मार्ग निकाला, तो सड़कों का मार्ग किया, विकास किया गया। शेर शाह सूरी ने आपको ग्रैंड एक्सप्रेस रोड की स्थापना की,
बनवाया, वो रोड आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH1 कहलाता है, तो उस मार्ग का उपयोग हम लोग कई चीज करते हैं। यानी पूरे भारत में 30 लाख किलोमीटर एक सड़कों का जाल बिछा हुआ, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो पूरे विश्व में ये सड़कों के मार्ग में एक अपना अलग स्थान रखता है, उच्च स्थान रखता है पूरे विश्व के देशों के सड़कों के मार्ग में। तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण जानते हैं। आज देखिए, आज भी सड़कों का विकास, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसलिए कि सड़क आप जानते हैं कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान हमको जाना हो तो हमको बिना सड़क मार्ग के जाना है ही नहीं, हमको सड़क मार्ग पर जाना ही होगा, और काम सड़क मार्ग के द्वारा जाके ही हम दूसरे स्थान पर अपने पहुंचेंगे। तो सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, आप देख रहे हैं तेजी से चलने के लिए आपको जगह 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 एलिवेटेड आपको पुल बना रहे हैं। जैसे आप दिल्ली में देखते हैं जमुना एक्सप्रेस वे, जहाँ बहुत ही तेज रफ्तार से वहाँ उस पर गाड़ी चलती है। आप और भी देखते हैं भारत सरकार ने 4 लेन का व्यवस्था किया, जिससे बहुत कम समय में आपको एक देश से एक राज्य से एक प्रांत से एक शहर से दूसरे शहर में आपको तेजी से माल आ जाए, या आपको आदमियों का आना जाना, व्यापारियों का आना जाना, लोगों का आना जाना, सामानों का माल ढुलाई, ये सब तेजी से होने लगा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ से दिल्ली की बसें चल रही है, अगले दिन आपको दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। सड़क मार्ग के विकास के कारण हुआ है। इसलिए सड़क मार्ग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़कों का पूरे भारत में जाल सा बिछा हुआ है, सड़कों का जहां जहां सड़क आज नहीं है वहां सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आज वैसे भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सीमेंटेड सड़क जगह जगह बना दे रहे हैं जो ज्यादा दिन तक टिक सके। उसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण किया जाता है, ऊपर एलिवेटेड पुल जैसा सड़क बनाया जाता है ताकि असुविधा हो, ताकि हम तेजी से अपना काम कर सके। तो आप देख रहे हैं सड़कों पर निकलिए, 1 मिनट में कितना भीड़ दिख जाता है सड़कों पर। यानी सड़कों का विकास हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि कोई भी काम, कोई भी माल ढुलाई, माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, या हमारा कोई काम हो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो बिना सड़क मार्ग के हमारा नहीं हो सकता है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो लोग पैदल बैलगाड़ी जाते थे, तो आज चलेंगे तो 2 दिन 3 दिन बाद पहुंचेंगे। ऐसा समय है कि आज हम चलते हैं 2 घंटे 4 घंटे में उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस दूरी के हिसाब से। तो ये सड़क मार्ग की देन है, सड़कों का विकास है जो हमको विकास में रफ्तार लाया है, विकास में तेजी लाया है। यानी आज माल का उत्पादन हुआ कंपनियों में गुजरात में, लोकल ट्रकों से भरकर हमारे यहाँ चला है, हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा, 4 लेनों के द्वारा, वो हमारे गोपालगंज में आ गया, वो हमारे और जगह शहरों में आ गया। इससे लगता है कि सड़क मार्ग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए आपको सिर्फ सड़क मार्ग का उम्मीद है, आप लोगों को बढ़िया से ये सब समझ में आया होगा, बढ़िया से आप लोगों ने समझा होगा। अगर इसको कुछ लिखना हो सड़क मार्ग के बारे में तो आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या इसको एक बार पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अगला टॉपिक आपको प्रादेशिक वितरण से शुरू करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इस टॉपिक को आगे जरूर किताब पढ़ के आइएगा, पढ़ के बैठिएगा, तो मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अच्छी तरह से आपके दिमाग में जाएगा और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। इसलिए पहले किताब को एक बार पढ़ लेना, फिर वीडियो देखना, फिर नोटबुक में लिखना, ये आप लोग कीजिए। अच्छी तरह से बनाइए नोटबुक ताकि आपको आगे भी पढ़ने के लिए, परीक्षा के समय तैयारी करने के लिए आपको आसानी होगी। तो ठीक है, अगला वीडियो हम आगे हम पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे